नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग हिंदी का एक नया टॉपिक वर्णमाला देखते हैं। और वर्णमाला में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले तो हमको पढ़ना है वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण, सॉरी वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का फिर उच्चारण स्थान, फिर वर्णों का प्रयत्न पढ़ना है। तीन चीजें पढ़ना है, जिसमें से आज हम पहली चीज देखेंगे वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण, ठीक। वर्गीकरण करने से पहले हम देख लेते हैं वर्णमाला ना, यानी वर्ण क्या होता है और वर्णमाला क्या होता है, दोनों परिभाषाओं में अंतर होता है, ठीक। एक परिभाषा होती है आपकी वर्ण की, वर्ण, और दूसरी परिभाषा होती है वर्ण माला, ठीक। ये हो गया। वर्ण का मतलब होता है कि जो हिंदी की सबसे छोटी इकाई होती है, सार्थक इकाई, उसे क्या कहते हैं वर्ण। कभी कभी हमको मिलता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाती है, सॉरी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लेकिन हमको यहां जानना है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होता है, वर्ण होता है, ठीक। अब ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जैसे जो ध्वनि होती है, ध्वनि को हम केवल बोल सकते हैं, सॉरी सुन सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, यानी इससे हम केवल क्या होते हैं, कर्णवत होते हैं, इससे हम केवल कर्णवत होते हैं, लेकिन जो आपका वर्ण होता है, वर्ण से हम कर्णवत भी होते हैं प्लस मुखरित भी होते हैं, ठीक। कर्णवत भी होते हैं और मुखरित भी होते हैं, यानी कर्णवत होने के साथ साथ हम मुखरित होते हैं। कर्णवत का मतलब होता है सुनना, सुनना कर्णवत का अर्थ होता है सुनना, लेकिन मुखरित का अर्थ होता है बोलना, ठीक। अगर मान लीजिए जैसे कोई गाड़ी जाती है, आवाज करती है ना, कोई गाड़ी गई आवाज करते हुए गई, उस आवाज को हम क्या कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, ठीक। कोई चीज गिरी, मान लीजिए यहां पे मैंने टच किया, ये आवाज कर रहा है, इस चीज को हम केवल सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, तो ये क्या होती है, ध्वनि होती है। और जिसको हम सुनने के बाद बोलते भी हैं, जैसे मैंने कह दिया क, अभी इसको भी बोलने में क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है, 1 सेकंड, ऐसे भी इसमें कर सकते हैं क, देखिए दोनों में समान समय लगा क, लेकिन हम इसे केवल सुन सकते हैं और इसको बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हो जाती है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है। वर्ण को ध्वनि का रूप कभी कभी दे दिया जाता है जब ऑप्शन में वर्ण नहीं रहता है तब, ठीक। फिर कहते हैं, अब वर्णमाला किसे कहते हैं, एक शब्द मिला हुआ है माला, माला का मतलब होता है व्यवस्थित स्वरूप, व्यवस्थित करना, माला में क्या होता है, क्रमागत व्यवस्थित होता है ना, तो इसको भी कह सकते हैं। किसी भी भाषा के, किसी भी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित व क्रमागत स्वरूप को, क्रमागत स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला,
जैसे आप कहते हैं फूल माला लेके आइए, यानी फूल माला का मतलब फूलों की माला, और वर्ण माला का मतलब वर्णों की माला, यानी जहां वर्णों को क्रमागत स्वरूप में दिया जाए वहां वर्ण माला, और जहां फूलों का क्रमागत स्वरूप दिया जाए वहां फूल माला। ठीक, चलिए ये हो गई वर्णमाला की परिभाषा। अब वर्णमाला का वर्गीकरण हमको पढ़ना है, यानी वर्णों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में कितने प्रकार होते हैं, ये सब आज हम देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम चलते हैं। अगर आप लोग मोबाइल पे पढ़ना चाहते हैं तो एक ई लर्निंग का ऐप भी है, ठीक, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका लिखा हुआ है, किसी भी जानकारी के लिए आप उस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं वर्णों का वर्गीकरण में। सबसे पहले हम वर्ण देखते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो यहां से हम देख लेते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो ही भेद होते हैं, तीसरे भेद को केवल लिखा जाता है लेकिन उससे कभी गिना नहीं जाता है। ठीक, चलिए पहला आपका होता है स्वर, दूसरा व्यंजन, और तीसरा होता है आपका अयोगवा। ठीक, स्वर का मतलब ऐसे वर्ण जो स्वतः उच्चरित होते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं, यानी स्वतः उच्चरित होने का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों की वर्णों के उच्चारण में क्या होता सॉरी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और ऐसे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न तो व्यंजन होते हैं परंतु इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है उसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक, चलिए तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्वर देखना है। ठीक, स्वर वर्ण, स्वर में संधि कौन सी है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्या कह सकते हैं, सुधन अर। देखिए संधि बनती कैसे है, यहां आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा मिल जाएगा। जैसे आप किसी भी व्यंजन में हम हलंत लगाते हैं, इतने तो आप लोग जानकार है ये है, किसी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो उसमें जो स्वर लगा होता है वो मूल रूप में क्या होता है, अलग हो जाता है ना। तो स पर हलंत लगाएंगे तो ऊ है ना, ऊ क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसके बाद क्या है, अर है। ठीक, कहते हैं ऊ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा ना। ठीक, इका स्थाने अच, नहीं इका स्थाने यर, अच परे रहते, यही होता है ना यर संधि का आपका सूत्र, इका स्थाने यर अच परे रहते, यानी इक के स्थान पर ई ऊ री के स्थान पर य व र हो जाता है अगर उसके बाद कोई असमान स्वर आया होता है, यानी ऊ के बाद असमान स्वर आया हुआ है तो ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और यहां पर क्या बचा हुआ है, स बचा हुआ है, धन व धन अर। अब हमको पता है स्वर हमेशा पीछे से जुड़ता है, व्यंजन हमेशा आगे से जुड़ता है। जब दो व्यंजनों का आपस में मेल होता है तो पहला व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, यदि पाई वाला व्यंजन होता है तो उसकी पाई गायब हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, स्व आ जाकर मिल जाएगा, वह पूरा हो जाएगा, बचेगा र।
ठीक, अभी संधि पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे से समझाएंगे आपको, लेकिन अब बात आ गई तो बता दिए। ठीक, अब देखिए स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के भी कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। यहां देखिए केवल स्वर और व्यंजन दो ही भेद होते हैं, अयोगवा क्या होता है, स्वर में भी जोड़ा जाता है व्यंजन में भी जोड़ा जाता है, इसलिए इसको गिनते नहीं लेकिन लिखते जरूर है। ठीक, यानी उसकी गणना नहीं होती है लेकिन लिखा जाता है, गिना नहीं जाता है। ठीक, आते हैं स्वर के हम कितने भेद जानते हैं, तीन भेद ना कर लेते हैं। तीन भेद कौन कौन सा होता है, पहला आपका होता है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, तीन हो गया। ह्रस्व का मतलब होता है, ये देखिए किसके आधार पर है, तो ये मात्रा काल के आधार पर है। किसके आधार पर है, मात्रा काल के आधार पर है। तो ह्रस्व का मतलब होता है सबसे छोटा, यानी ऐसे स्वर जिनकी मात्रा काल सबसे छोटी होती है उसे ह्रस्व कहते हैं। ऐसे स्वर जिनका मात्रा काल ह्रस्व की अपेक्षा बड़ा होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और ऐसे स्वर जिनका मात्रा काल ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा सबसे बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं ना। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं अ, यहां पर अ और यहां पर आ, अ और आ। ठीक, देखिए अ सबसे कम सांस लग रहा है, आ अ से ज्यादा सांस लग रहा है, और आ सबसे ज्यादा सांस लग रहा है ना। जैसे कभी कभी आप देखते हैं किस गीत संगीत गाने वाले क्या करते हैं, आलाप देते हैं ना ना, तो जो आलाप देते हैं वही क्या हो जाता है, आपका प्लुत हो जाता है। ठीक, चलिए फिर से अभी इसको हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसे समझेंगे, ह्रस्व स्वर को। ह्रस्व स्वर को यानी इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम श्वास की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या चार होती है। चार में कौन कौन से स्वर होते हैं, तो आपका होता है आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। ये चार स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व होते हैं यानी मूल होते हैं। ठीक, सबसे कम श्वास की आवश्यकता इसमें पड़ती है। ठीक, और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, कहते हैं ऐसे स्वर। अब देखिए दीर्घ ऐसे स्वर, इसी को क्या कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं। ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, लेकिन दीर्घ की कुल संख्या सात होती है, और दीर्घ को हम कितने भागों में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। ठीक, एक हो जाता है आपका दीर्घ मूल दीर्घ, और दूसरा हो जाता है दीर्घ संयुक्त। इसे आप दीर्घ भी कह सकते हैं और इसे आप संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। संयुक्त स्वर की मूलतः संख्या कितनी होती है, चार होती है, और मूल दीर्घ की संख्या कितनी होती है, तीन होती है। केवल दीर्घ पूछेगा तो संख्या कितनी होगी, सात, और आपसे ह्रस्व पूछेगा तो संख्या कितनी होगी, चार। ठीक, मूल दीर्घ की परिभाषा क्या होती है, मूल दीर्घ की परिभाषा क्या होती है, ये आप देख लीजिए। ऐसे स्वर जो दो समान स्वरों से मिलकर
दीर्घ रूप धारण करते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, उन्हें मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, अब अगर दीर्घ संयुक्त की बात की जाए, देखिए ये मूल दीर्घ था, अब हम बात करते हैं दीर्घ संयुक्त के। ये क्या कह रहा है? ठीक, ऐसे स्वर जो दो असमान स्वरों से मिलकर जो दो असमान स्वरों से मिलकर दीर्घ रूप धारण करते हैं। उन्हें दीर्घ संयुक्त स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जो दो असमान स्वरों से मिलकर दीर्घ रूप धारण करते हैं। यहां देखिए दो समान स्वर हैं और यहां दो असमान स्वर हैं, बस यही अंतर इसमें होता है और इसमें कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि है तो दोनों एक ही बाप के लड़के ना, तो कितना बड़ा अंतर होगा। घर वही होगा, खेत वही होगा, निकलने का स्थान वही होगा, रहने का स्थान वही होगा, सब कुछ वही होगा, बस थोड़ा सा अंतर हो गया। एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, और एक कहीं और जाके मेल कर लिए, तो एक कहीं और जाके मेल कर लिए, बस यही अंतर है। ठीक, अब देखिए मूल दीर्घ कहते हैं दो समान स्वर, यानी जैसे आपका अ धन अ मिला तो क्या हो गया आ। ठीक, ई धन ई, सॉरी, ई धन ई मिली तो क्या हो गया बड़ी, ऊ धन ऊ मिला तो क्या हो गया बड़ा। ठीक, अब बात इसकी संख्या तीन ही होती है। अब बात करते हैं दीर्घ संयुक्त की। देखिए टॉपिक आपका थोड़ा धीरे धीरे जरूर चल रहा है, धीरे धीरे जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए जो यहाँ पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ऐसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यूट्यूब पे मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं कभी नहीं कर सकता। हालांकि आप सोच रहे होंगे सर कह भी रहे हैं और कह रहे हैं कहेंगे भी नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपको ज्ञान यहाँ मिलेगा वो ज्ञान और कहीं आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही आराम से चल रहे हैं और बहुत ही समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक, एकदम सरल ढंग से आपकी भाषा में चल रहा है, ना कि मेरी भाषा में चल रहा है। ठीक है, तो मुझे अगर मुझे हिंदी पढ़ाना है, हिंदी तो बहुत सारी चीजें मुझे आती है, अभी तो मैं भगा के सब कुछ पढ़ा देता ना, मुझे कहीं एक दिन में पूरा वर्णमाला खत्म कर दे ना, मैं तो पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। पढ़ते जब पढ़ने आते हैं ऑफलाइन वालों में, तो वहां तक, अभी तो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन में भी मैं क्या करता हूँ, जिस दिन पेपर आता है, जब मैं मैराथन चलाता हूँ, तो 3 घंटे में पूरी हिंदी खत्म करता हूँ, सिर्फ पूरा ऑल टोटल पूरा ट्रिक दे देता हूँ, ले जाओ ट्रिक पे पढ़ो। ठीक, तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी आपको बेसिक देना है, मूल चीजें देना है, पहले आपकी जड़ मजबूत हो जाए, इसके बाद आप तो कहीं भी जा सकते हैं। चलिए आते हैं दीर्घ संयुक्त स्वर ना, जैसे अब इसमें क्या कहते हैं, दो असमान स्वरों से मिलकर जो बनता है ना, दो असमान स्वरों से मिलकर बनने का मतलब जैसे अ धन ई बराबर क्या हो जाएगा ए। ठीक, अ धन उ बराबर ओ। ठीक, अब देखिए आ ई से भिन्न है, आ उ से भिन्न है, दोनों असमान स्वर है ना, तो मिलकर असमान ही बन रहा है। ठीक, फिर कहते हैं अ धन ए, देखिए ये दोनों भी तो असमान है, मिलकर बना आए। अ धन ओ बराबर मिलकर बना,
तो ये दोनों क्या है, चार क्या है आपके, दीर्घ संयुक्त स्वर। ठीक, ये दीर्घ संयुक्त स्वर हो गया, इस स्वरों का विभाजन हो गया। अब प्लुत एक बचा हुआ आपका, इसे थोड़ा सा हम मिटा दें, या ऐसे ही आप समझ लीजिए। प्लुत का मतलब कहते हैं ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा श्वास की आवश्यकता लगती है, उसे प्लुत कहते हैं। जैसे आप ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं, जब आप ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा सांस की आवश्यकता पड़ती है आपको। अब आप बोलते हैं ओम, काफी टाइम तक आप बोलते हैं ना, तो वही क्या होता है। अभी मैं आपको बताया, जैसे आप क्या करते हैं, आ फिर आ और आ आप बोलते हैं ना, तो वो भी क्या हो जाता है, आ कई बार आप बोलते हैं तो प्लुत हो जाता है। नदी के किनारे खड़े हो जाइए, किसी को बुलाइए, तो वो भी क्या आपका हो जाता है, प्लुत हो जाता है। तो ये सब क्या है, प्लुत की श्रेणी में आ जाते हैं। किसी के लिए आप क्या करते हैं, बुलाते हैं, और जो हाँ उच्च अंतिम स्वर होता है उसको आप खींच देते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, प्लुत हो जाता है। ठीक, चलिए स्वरों का वर्गीकरण हो गया, अब हम व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक, चलिए इसका स्क्रीन शॉट लेना हो तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, पुनः इसको हम मिटाते हैं। वैसे मुझे स्क्रीन शॉट कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार खुद ही होते हैं कि सर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो तुरंत स्क्रीन शॉट ले लेते हैं ना। व्यंजन, अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। ठीक, देख लेते हैं चार प्रकार कौन कौन सा होता है। पहला आपका होता है स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा आपका होता है उष्ण, और चौथा आपका होता है संयुक्त, पांचवा आपका होता है सॉरी द्विगुण, इसी को कहते हैं उच्छित। ठीक, द्विगुण या उच्छित। अब देखिए व्यंजन के जो यहां पर चार भेद लिखे गए, यहां पर कितने हो गए, पांच हो गए। ठीक, चार भेद और वहां पर कितने हो गए, पांच हो गए। लेकिन अब देखिए स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, संयुक्त और द्विगुण या उच्छिप्त। ठीक, स्पर्श का मतलब होता है, देखिए हाँ हम कहाँ पूछे थे, फोन आ गया थोड़ा सा बिजी हो गए। हाँ, अब देखते हैं इसे हम गिनते क्यों नहीं है, क्योंकि यह क्या होता है, द्विगुण दो गुणों को प्रकट करने वाला होता है, उच्छिप्त होता है। यहां पर आता है आपका ड और ढ ना, इन दोनों को नहीं गिना जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हम क लिखते हैं तो क से कमल लिख सकते हैं ना, च से चरखा हो सकता है, च से चिड़िया हो सकती है ना। लेकिन अगर ड और ढ है तो ढ से डमरू और ड से ढक्कन नहीं हो सकता है ना। ठीक, क्यों, क्योंकि उसका स्पर्श होता है और स्पर्श को हम यहां से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब स्पर्श क्या होता है, अभी वहां तक पहुंचेंगे तो मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा। ठीक, स्पर्श क्या होता है, स्पर्श का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख विवर के स्थानों को क्या करती है, कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 25 होती है, 25 में पांच वर्ग भी होते हैं, एक वर्ग में पांच वर्ण भी होते हैं। जैसे आपका हो गया क वर्ग,
अब क वर्ग में आएगा क ख ग घ ङ, फिर च वर्ग, च छ ज झ ञ, फिर आएगा आपका ट वर्ग, ट ठ ड ढ र, फिर आपका आएगा त वर्ग। देखिए त वर्ग, त थ द ध न, फिर आपका आएगा प वर्ग, प ख व न। थोड़ा भगा के ले देता हूँ, तो आप लोग उसके लिए, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, लेकिन थोड़ा सा आदत। अब देखिए, कहते हैं कि पांच वर्ग होते हैं, ये पांच वर्ग कोई और नहीं, यही होते हैं क च ट त प। संस्कृत में इसको शुद्धतम रूप में क्या बोलते हैं, कुचु टू तु पु। ठीक, इसके बाद ये क्या होते हैं, इसमें कहते हैं पांच वर्ण होते हैं, यानी एक दो तीन चार पांच, ये वर्ण होते हैं और ये वर्ग होते हैं। ये वर्ग का नाम है, ये वर्ण का नाम है, क वर्ग है तो उसमें क वर्ण भी आएगा। ठीक, और इन जो इन सबकी संख्या को गिनेंगे तो कितना होगा, 25। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इधर से भी गिनेंगे पांच, इधर से भी गिनेंगे पांच, इधर से भी गिनेंगे पांच, इधर से भी नहीं गिनेंगे तो पांच। ठीक, अंतस्थ, अंतस्थ की संख्या कितनी होती है, चार। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ के निचले भाग से होता है, वायु मार्ग से श्वास से सीधा निकल जाती हैं या अध्वनिया निकल जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या चार होती है, इसमें आता है य र ल व। ठीक, इसके बाद हम पुनः चलते हैं उष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या होता है, मुख से सांस की मात्रा ज्यादा निकलती है अथवा सीटी जैसी आवाज निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म की संख्या भी कितनी होती है, तो चार होती है, इसमें आते हैं स स स और हाँ। फिर बात करते हैं संयुक्त व्यंजन, कहते हैं ऐसे व्यंजन जो क्या कहते हैं, दो भिन्न व्यंजन, अभी संयुक्त तो स्वर पड़े थे तो दो भिन्न स्वर मिले थे, यहाँ संयुक्त तो व्यंजन है तो दो भिन्न व्यंजन मिलेंगे, तो कहते हैं ऐसे व्यंजन जिनके जिनका मेल दो भिन्न व्यंजन उससे होता है, उसे संयुक्त तो व्यंजन कहते हैं। जैसे क से स मिला तो क्या हो गया, छ, त से र मिला तो क्या हो गया, त्र, ज से ञ मिला तो क्या हो गया, ज्ञ, स से र मिला तो क्या हो गया, स्र। ठीक, इसके बाद ये आपको बताया ही गया, जैसे आप लिखते हैं डमरू, तो डमरू में देखिए बताया गया इससे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसको क्या करते हैं, यहां पर गिनते नहीं, यहां पर जो चार लिखे गए यही सब लिखे गए, उसको नहीं गिना गया है ना। अब देखिए, यहां डमरू में ए वाला ड आता है ना कि ए वाला ड आता है, लेकिन अगर हम सड़क लिख दें तो क्या होगा, ए आ गया ना, बड़ा लिखे तो भी आ जाएगा ना, यानी यह या मध्य में आ सकता है और अंत में आ सकता है, लेकिन प्रारंभ में नहीं आ सकता, क्योंकि इससे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर हम ढोल लिखेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक, लेकिन अगर पढ़ाई लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक, बस सेम कंडीशन वही होता है, इसीलिए इसको उच्च द्विगुण व्यंजन कहते हैं और गिनते नहीं है। उच्छिप्त का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा क्या करती है, झटके से ध्वनि को क्या करती है, फेंकने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज, यहां पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं, जैसे या और वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। ठीक, र को क्या कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित कहते हैं।
ला को भी पारसिक कहते हैं, पारसिक कहते हैं। हा को आप काकल्य कहते हैं। कुछ विशेष विशेषता है इनमें, और ये अपवाद स्वरूप विशेषताएं होती है ना, ठीक। और इन चारों को मिलाकर आप ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं, यानी ऊष्म चार ऊष्म संघर्षी वर्ण भी होते हैं, ठीक। और इन पांचों को आप नासिक वर्ण भी कहते हैं। इन पांचों को आप नासिक वर्ण कहते हैं। ये जो आपके होते हैं पांच, इन्हें आप स्पर्श संघर्ष, देखिए ऊष्म संघर्षी था, इसको आप स्पर्श संघर्षी भी कह सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं आपको पूरा? हाँ दिख तो रहा है, ठीक। स्पर्श संघर्ष से भी आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद संख्या देख लेते हैं। इसकी संख्या 3-2 होती है। अब देखिए आपके जो 52 वर्ण होते हैं ना, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 आपने पढ़ा है, तो देख लेते हैं आपके स्वर कितने मिले थे। स्वरों की संख्या 11 स्वर, ठीक। व्यंजनों की संख्या 25 स्पर्श, 25 स्पर्श है। 4 अंतस्थ है, फिर 4 उष्म भी है, 4 संयुक्त है, 2 द्विगुण है, ठीक। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25, 11, 36, 4, 40, 4, 44, 4, 48, 2, 50, 2 छूट रहा। अच्छा, अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या 2 होती है, 2 अयोगवाह को आप जोड़ दीजिए, अयोग वाह। यही आपके हिंदी में क्या होते हैं, वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 52 वर्ण, ठीक। अब देखते हैं अयोगवाह तो कौन कौन से होते हैं, ये भी बचा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। दो अयोगवाह कौन कौन, यहाँ पे जहां न समझ में आया हो आप पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या चीजें नहीं समझ में आई है, उसका जवाब आपको पुनः मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। वैसे तो मैं भूल जाता हूँ, बार बार कह देता हूँ स्क्रीनशॉट लीजिए लीजिए, हालांकि आप लोग तो है ही हैं, स्क्रीनशॉट तुरंत लेते हैं। चलिए बात करते हैं अयोगवाह के। अभी अयोगवाह आपका छूटा हुआ है। अयोगवाह, अयोगवाह के कितने भेद बताए गए? अयोगवाह के दो भेद बताए गए, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। अभी आपको आगे फिर मिलेगा अनुस्वार, अनुनासिक, अनुनासिक, चंद्रबिंदु, अर्धचंद्रबिंदु, ये सब आपको आगे मिलेगा, बताएंगे सब चीजें बताएंगे, ठीक। अनुस्वार यानी अंग, आ के ऊपर एक छोटी बिंदी, ठीक। विसर्ग का मतलब आहा, यानी ह के आगे, आ के आगे विसर्ग। इसका उच्चारण अ से होता है और इसका ह से होता है, और इसका उच्चारण नासिका से होता है, ठीक। यह कंठ में चला जाता है, यह नासिका में चला जाता है। जब आपको उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगा तब ये चीजें बताऊंगा, ठीक। फिलहाल आज के लिए इतना बस करते हैं, आगे अगली वीडियो में आप लोग इसके आगे देखेंगे। आज के लिए बस, सभी को नमस्कार।